जगत के लिए अफेयर और ब्रेकअप की बातें शुरुआती अरसे से आम रही हैं। हिंदी सिनेमा और आज के बॉलीवुड में बस एक ही खास बात है जो आज तक नहीं बदली है, किसी अभिनेता और अभिनेत्री का नाम अफेयर को लेकर कब चर्चा में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, एक्टर सलमान खान के अफेयर्स के चर्चे तो हमेशा से हुए हैं, उनमें से कुछ बेहद खास वाले माने गए तो कुछ यूं ही गुजर गए। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी और कैसे उनकी मुलाकात हुई थी? सलमान खान अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, इससे कई ज्यादा क्रेज उनका लड़कियों के बीच में है, वो भी अब से नहीं तब से, शायद जब उन्होंने होश संभाला होगा। इसीलिए सलमान खान की गर्लफ्रेंड की लिस्ट भी काफी लंबी रही। एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे तो हमेशा से ही हुए हैं, उनमें से कुछ बेहद सीरियस वाले माने गए तो कुछ यूं ही गुजर गए। माना जाता है कि संगीता बिजलानी के साथ तो सलमान खान की शादी के कार्ड भी छप चुके थे। वहीं ऐश्वर्या राय के साथ की कंट्रोवर्सी को बॉलीवुड क्या उनके फैंडम में ही शायद कोई भूल पाया हो। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी? चलिए हम आपको बताते हैं। बीते जमाने की एक्ट्रेस शाहीन बानो उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी। सलमान खान और शाहीन इतने क्लोज थे कि दोनों फिल्म मैंने प्यार किया का ऑडिशन साथ देने गए थे। हालांकि शाहीन का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस फिल्म के लिए सलमान खान और भाग्यश्री को सिलेक्ट किया गया। अगर शाहीन का सिलेक्शन हो जाता तो भाग्यश्री की जगह वह फिल्म में हीरोइन होती। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा है तो अभी शाहीन बानो का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? उसकी बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि सलमान खान उस वक्त 19 साल के थे और मुंबई के सेंट जेविन्स कॉलेज में ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थे। गौरतलब है कि सलमान उस वक्त बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे, या उसी दौरान की बात है जब शाहीन बानो शाहीन जाफरी हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की मां जेनेविव आडवाणी ने दोनों को इंट्रोड्यूस किया था। सलमान और शाहीन एक दूसरे से मिलने लगे और इन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। लेकिन सलमान खान मैंने प्यार किया के बाद से हिट हो गए और उन्हें फिल्में मिलने लगी थी। उसी दौरान सलमान खान की मुलाकात उस समय मशहूर मॉडल और 1980 की मिस इंडिया संगीता बिजलानी से हुई। संगीता और सलमान की नजदीकियां बढ़ने लगी और यही नहीं, शाहीन से उनके ब्रेकअप की वजह बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है शाहीन बानो? तो आपको बता देते हैं कि शाहीन अपने दौर के सुपरस्टार दिलीप कुमार और शायरा बानो की भतीजी हैं। वह कियारा आडवाणी की माँ भी उनकी कजिन सिस्टर लगती हैं। अपने दौर के मशहूर एक्टर अशोक कुमार की भी वो रिश्तेदार हैं। शाहीन एक्ट्रेस सुमित सहगल से शादी की और दोनों की एक बेटी है। उनकी बेटी शायरा साउथ की एक्ट्रेस हैं और साउथ एक्ट्रेस आर्या की पत्नी है। शाहीन बानो ने कई फिल्में जैसे आई मिलन की रात, महासंग्राम, डार्लिंग डार्लिंग में बड़े एक्ट्रेस के साथ काम किया है। लेकिन एक्ट्रेस का करियर कुछ खास ट्रैक पर नहीं आ पाया। फिलहाल सलमान खान के अफेयर्स के चर्चे यूं ही होते रहेंगे और क्या कभी किसी एक्ट्रेस के साथ उनका नाम हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता देगा। मगर सल्लू भाई को लेकर ये सवाल तो आज भी बना हुआ है कि क्या वो कभी शादी करेंगे या नहीं, अगर हाँ तो किसके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।